हेलो फ्रेंड्स मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब से स्वागत करता हूं हम बात करने वाले हैं यहां पर निफ्टी निफ्टी के व्यू व्यू से जानेंगे कि निफ्टी का व्यू यहां पर एग्जैक्टली क्या हो रहा है और यहां पर निफ्टी फिफ्टी तो देखिए बहुत भागा बट एक सेक्टर है निफ्टी स्मॉल कैप ओके जो इंडेक्स है उसने यहाँ पर अभी तक कोई परफॉर्म करके नहीं दिखाया इतना परफॉर्म नहीं किया जितना उसे यहाँ पर करना चाहिए था

एज एज वेल बहुत सारे लोगों ने वीडियोस देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते आपसे एक सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता आप सब्सक्राइब कर देंगे हमारी मोटिवेशन बढ़ेगा दैट्स इट ओके और हम ज्यादा से ज्यादा जाद कंटेंट आपके लिए लेके आएंगे और शायद उनमें से कुछ ऐसा कंटेंट हो जो आपकी किस्मत बदल दे इस चीज को लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है बट यहाँ पर बेलाइकन को हिट नहीं कर रखा तो बेलाइकन को प्लीज हिट कर लीजिएगा तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हम बात करने वाले हैं एक एक करके यहाँ पर दूसरे इंडेक्सेस से रिलेटेड और दो स्टॉक्स में आपको दूंगा जहां पर अच्छा खासा पैसा आपका बनता हुआ नजर आएगा सबसे पहले मैं आपको निफ्टी फिफ्टी के दर्शन करा देता हूँ निफ्टी फिफ्टी की बात करें तो निफ्टी फिफ्टी यहाँ पर कुछ आपको अगर महसूस हो रहा हो तो यहाँ पर एक मैंने आज ट्रेंड लाइन खींची है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पर, पर आज के दिन में ओपन भी हुआ क्लोज भी होता हुआ दिखाई दिया तो यहाँ पर क्या दिखाई देता है यहाँ पर दिखाई देता है सीधे यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर लाइन है अठारह की 18,103 तो तो वो ही यहाँ पर सपोर्ट के काम आएगा और, और अच्छा सपोर्ट चाहिए तो यहाँ पर सत्रह सात सौ सोलह यहाँ पर एक इसे सपोर्ट के रूप में आप यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि दो दिन यहाँ पर भी इसने ट्रेवल किया था तो ये इंट्राडे बेसिस पे हो सकता है सपोर्ट

राउंड मारने के लिए ऊपर की तरफ कोशिश करने की एक अच्छी प्रयास हो सकता है और इसमें और ऊपर के टारगेट बनते हुए नजर आते हैं तो आर एस आई पे हमेशा ध्यान दे रहा है कि यहाँ पर अच्छे आर एस आई ऊपर चल रहा हो अच्छी बात है बट थोड़ा सा नीचे आ सकता है वो एक एक कॉशियस में अपनाने के लिए और जब नीचे आता है तो और ऊपर छलांग लगा सकता है तो इस चीज के लिए ध्यान देना है तो मार्केट में सब चीज पॉजिटिव है सब चीज अच्छा नजर आता है तो थोड़ी बहुत सो गिरावट हो सकती है इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा बट यहाँ पर मार्केट ऑल टाइम हाई पहुंचने वाला है इस चीज को ध्यान में रखिए देखिए यहाँ पर निफ्टी फिफ्टी तो बहुत चला ओके okay, साथ साथ यहाँ पर सेम एज इट इज बात करें निफ्टी फिफ्टी अपने हाँ के पास जा रहा है निफ्टी मिड कैप की बात करें तो वो भी ऑल टाइम हाई के पास जा रहा है यहाँ पर बता दिया था आपको ये पर्टिकुलर लाइन क्रॉस करी तो सीधे यहाँ पर जाता हुआ दिखाई देगा जाता हुआ दिखाई दे रहा है बट याद रखिये ये लाइन रजिस्टेंस की लाइन है मोस्टली टाइम क्या होता है कि रजिस्टेंस को टच करके चीजें नीचे आ जाती है तो शायद टच करके थोड़ी बहुत नीचे आ सकती है फिर दोबारा चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई दे सकती है तो अगर इस लाइन को क्रॉस किया तो सीधे टारगेट कहाँ के जा रहे हैं सीधे बत्तीस हजार दो सौ साठ के आसपास के टारगेट जाते हुए दिखाई दे रहे हैं तो आप इसके लिए भी फिर तैयार रहिएगा तो उसके बाद राउंड अगली राउंड ऑफ रैली फिर आगे की तरफ होगी नीचे की बात करें नीचे सपोर्ट यही पर ही है अच्छा खासा तीस हजार तीन सौ के आसपास का तो इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा दे इसके बाद बात करते हैं निफ्टी स्मॉल कैप की निफ्टी स्मॉल कैप आप यहाँ पर देख सकते हैं लगातार क्या थी इसमें यहाँ पर गिरावट हुई थी हम बता भी रहे थे अब यहाँ पर तेजी होती हुई दिखाई दे रही है लगातार और कोई भी चीज लगातार गिरती नहीं है कोई भी चीज लगातार ऊपर नहीं जाती बट ये एक जो लाइन थी मैं आपको दो तीन दिन से बता भी रहा था ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है वो लाइन को आज इसने फाइनली क्रॉस कर लिया है ओके और जो क्लोज क्लोज हुआ है वो एक रेजिस्टेंस पे क्लोज हुआ है इंटरडे बेसिस पे बट यहाँ पर आज का जो हाई था 9526 का इसे अगर क्रॉस करता है तो यहाँ पर नौ का लेवल बनता है और ये मेन लाइन है रेजिस्टेंस की नौ अगर इसे यहाँ पर क्रॉस कर देता है तो चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई दे रहा है और देखिए स्मॉल कैप सॉरी मिड कैप और निफ्टी फिफ्टी तो ऊपर चले गए हैं बट इतना ऊपर ये नहीं गए हैं तो यहाँ पर अगर ये इस लाइन को क्रॉस करता है तो सीधे यहाँ पर इस लाइन को क्रॉस करना है और इसे भी क्रॉस करता है सीधा यहाँ पर जाता हुआ दिखाई देगा के आसपास आपका स्मॉल कैप इंडेक्स तो यहाँ पर फिर ये ऑल टाइम हाई की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा तो इसलिए इस पर्टिकुलर सेक्टर की तरफ भी आपको क्या करना है ध्यान देना है और देखिए जो आज ये गर, आ, आज इसने भागा है ना ऊपर की तरफ तो देखिए इसने एक रजिस्ट्रेन ट्रेंडिंग लाइन को भी क्रॉस किया है इस चीज को भी आप ध्यान दीजिए सपोर्ट वही नीचे का सपोर्ट है जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कुछ पॉइंट यहाँ पर नीचे आ सकता है बाकी ऊपर इंटेक्ट है अब कुछ इंडेक्सेस की बात करें तो शॉर्ट टर्म में मैं आपको निफ्टी बैंक दिखा देता हूँ निफ्टी बैंक देखिए रेजिस्टेंस पे खेल रहा है ओके आज का हाई उनतालीस चार सौ चुम्बालीस है ये यह यहाँ पर निकाला है इससे सीधे यहाँ पर जा सकता है वो दिखाई दे रहा है इकतालीस हजार की तरफ तो यहाँ पर बैंक की तरफ ध्यान देना और यहाँ पर से अगर थोड़ा बहुत नीचे गिर जाता है तो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी तब खरीदिएगा क्यों क्योंकि यहाँ पर लगातार तेजी हुई है याद रखिए तो चीजें थोड़ी सी नीचे आके फिर ऊपर जा सकती है मैं कुछ अगर ये सैतीस पे दोबारा जाता है सैंतीस और फिर भागता है ना तो यहाँ पर इसे जो तो टच करेगी और ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा तो निफ्टी बैंक की तरफ आपको ध्यान देना है निफ्टी आई की बात करें तो निफ्टी आई पे आप ध्यान दे सकते हैं लगातार गिरावट थी इसमें और यहाँ पर इसके लिए रजिस्टरेंस तीस हजार के आसपास का इसे क्रॉस कर ले बस इसे क्रॉस किया सीधे यहाँ पर इकतीस हजार आठ सौ क्रॉस किया तो सीधे छत्तीस तो निफ्टी आई में बहुत ज्यादा स्कोप है आपको इसकी तरफ ध्यान देना है रिसेशन रिसेशन वगैरह के इशू की वजह से ये चलता हुआ दिखाई निफ्टी फाइनेंशियल सेम एज इट इज राय ओके अच्छे खासे लेवल पे चल रहा है अठारह चार सौ का लेवल क्रॉस करना जरूरी है और अठारह छह सौ के आसपास का ये लेवल क्रॉस किया सीधे उन्नीस हजार जो इसका ऑल टाइम हाई है वो जाता हुआ दिखाई देगा तो बैंक की तरह ही ये परफॉर्म करेगा ऑटो की बात करें ऑटो मैंने आपको बताया था थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट है अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं सारी कंपनीज के अच्छे रिजल्ट आएंगे तो, तो आज इसने है एक लगाया है दोबारा तेरह हजार दो सौ इकसठ तेरह हजार दो सौ इकसठ को क्रॉस किया तो अगेन तेजी होती हुई दिखाई देगी जैसे कि बट याद रखिए ऊपर के लेवल पे फंसने की कोशिश मत करिएगा चीजें हमेशा नीचे के लेवल से ले लीजिए ताकि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सके लॉन्ग टर्म में निफ्टी मेटल की बात करें मेटल में भी देखिए यहाँ पर तेजी होती हुई दिखाई दी है इसका रेजिस्टेंस मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था वो रेजिस्टेंस ने क्रॉस कर दिया है एक हैमर बनाया बट हैमर यहाँ पर नीचे बनता है तो अच्छा रहता है तो जैसे नीचे यहाँ पर यहाँ पर स्पिनिंग टॉप बना था तेजी होती हुई दिखाई दी थी अगेन आज का हाई निकाल देता है तो मुझे दिखाई दे रहा है ये हजार तेरासी की तरफ जाता हुआ और छह हजार एक सौ अड़तालीस की तरफ जाता हुआ तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं ये स्टॉक्स की तरफ भी इसके अलावा हम बात करते हैं फार्मा की फार्मा आप देख सकते हैं फार्मा की मैंने आपको बता दिया है ये लाइन और ये लाइन ये दो लाइनों को क्रॉस करना बहुत जरूरी है इन दो लाइनों को क्रॉस किया तेजी होती हुई दिखाई देगी कोई भी चीज लगातार तेजी में नहीं रहती गिरावट भी होती है तो गिराए यहाँ पर गिरा था ये देखिए सपोर्ट लिया यहाँ पर गिर रहा है अगेन ये बार बार इसी पे वो सपोर्ट ले रहा है आज भी यही सपोर्ट लिया और यहाँ से इस जो आज का हाई है जो इसका अभी हाई था रिसेंटली तेरह हजार के आसपास का उसे क्रॉस करें तो यहाँ पर दो सौ सत्तावन इसे भी क्रॉस करें तो सीधे पर तेरह हजार और धीरे धीरे राउंडिंग बॉटम बन रहा है इस चीज को याद रखिए फार्मर के स्टॉक्स चलते हुए दिखाई देंगे एक आध दो क्वार्टर मैंने कह दिया एक आध दो क्वार्टर का टाइम लग सकता है एफ सेक्टर तेजी में है बिल्कुल और यहाँ पर भी तीन से छह महीने में बेहतरीन शेयर रिटर्न बनेंगे इसका ऑल टाइम हाई जो ये है ये जो लाइन खींच रखी है रजिस्टर की तैतालीस दो के आसपास ये निकाले तेजी होती हुई दिखाई देगी और बार बार रुक रहा है यहाँ पर तो ये इसके लिए रेजिस्टेंस है और कोई इंडेक्सेस है तो एक बार यहाँ पर देख लेते हैं तो उसके बाद रियलिटी देख लीजिए तो रियलिटी यहाँ पर देख सकते हैं तेजी का है मैं आपको रेजिस्टेंस बता चुका हूँ और थोड़े टाइम में पर अचीव होते हुए निफ्टी एनर्जी, निफ्टी एनर्जी तेजी, तो तेजी अच्छी खासी होती हुई दिखाई दे रही है राउंडिंग बॉटम बन रहा है बट फंसने की कोशिश मत करिएगा रिजल्ट देख लीजिएगा जिस कंपनी के रिजल्ट अच्छे हैं वहीं पर ही जाइएगा बेवालतू में किसी भी कंपनी में कूदने की जरूरत नहीं है अब बात करते हैं यहाँ पर जो मैं आपको बताने वाला था सबसे पहले एमटार एमटा टेक्नोलॉजी बिल्कुल नीचे से पकड़वाया था याद रखिए बिल्कुल नीचे से ओके ऐसा बहुत कम होता है कि यहाँ पर चीजें बिल्कुल नीचे से पकड़ ली जा सके तो नीचे से पकड़वाया था लगभग मिल चुके ओके और आज देखिए इसने एक कैंडल uh, बनाई है शायद हो सकता है कि चीजें थोड़ी सी नीचे आए इसका लो टूटा थोड़ी नीचे आ सकती है और यहाँ पर दोबारा पंद्रह आठ सौ पंद्रह के आसपास चीजें आ सकती है या फिर सोलह के आसपास तो ये दो सपोर्ट है इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा आती है चीजें खरीदिएगा क्यों क्योंकि राउंडिंग बॉटम बनेगा इसमें और राउंडिंग बॉटम चीजें अच्छी लगेगी और चौपच सौ सत्ताइस के टारगेट यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे मेरे पास ये शेयर है पहली बता देता हूँ मत करिएगा और यहाँ पर राउंडिंग बॉटम बन रहा है और यहाँ पर रिटर्न लगभग साठ परसेंट के बनते हुए नजर आएंगे आने वाले कुछ टाइम में तेजी हो रही है तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है छह महीने से एक साल के अंदर अंदर ये टारगेट आ सकते हैं अब बात करेंगे दूसरे स्टॉक्स की जिसका नाम है राष्ट्री पॉलीपैक बहुत टाइम पहले यह आपको बताया था यहाँ पर देखिए ये डबल टॉप टॉप या ट्रिपल भी कह सकते हैं ओके ये बनता हुआ नजर आ रहा है इसमें और ये डबल टॉप का भी आ, यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है इस पर्टिकुलर लाइन को देखिए बार बार एक बार कोशिश करी ओके एक बार और यहाँ पर दूसरी बार कोशिश करी फिर तीसरी बार कोशिश कर रहा है चीजें यहाँ से निकली तो सीधे यहाँ पर जाएगी और यहाँ पर अच्छे खासे रिटर्न बनते हुए नजर आएंगे ओके इससे रिलेटेड मैं कल ट्राई करूंगा एक बेहतरीन वीडियो बनाने की इसे सब चीज समझाऊंगा क्यों ये शेयर और बेहतरीन नजर आता है तैतीस परसेंट के यहाँ पर टारगेट नजर आते हैं और रेस्टेंस लाइन के, सॉरी ट्रेंडिंग लाइन के ऊपर चल रहा है अच्छा शेयर है तैतीस के रिटर्न के लिए कर सकते हैं आप तैयारी बाकी और भी रिटर्न यहाँ पर बनते हुए नजर आ सकते हैं तो राष्ट्रीय है। है। हो सकती है स्मॉल कैप अच्छे खासी राउंड लगा सकता है तो स्मॉल कैप पे ध्यान कैपे बैंक सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं। वीडियो है वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा कमेंट करेगा शेयर करिएगा तबियत खराब है इसलिए थोड़ी सी आवाज में थोड़ा सा दम भी नजर आ रहा होगा बट स्टिल कोई इशू नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करिए दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह की वीडियो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस